गौतम बुद्ध नगर में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्कूलों में सबसे ज़्यादा बच्चे संक्रमित आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ पेरेंट एसोसिएशन के यतेंद्र कसाना जी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके के कदम अब पेरेंट एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे उठाए जाएंगे। सर, जिस तरीके से स्कूलों में लगातार कोरोना के मामले आ रहे हैं, ऐसे में पेरेंट एसोसिएशन अब किस तरीके के कदम उठा रहा है या किस तरीके के पेरेंट्स को यहाँ पर बातचीत चल रही है? देखिए, पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं कि बच्चों की इसके कोविड के इन्फेक्शन को लेकर जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं। नोएडा में पिछले 3 दिनों के अंदर 5 स्कूलों के अंदर केसेस आ चुके हैं। हम लोगों से जो हमारे ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए हैं कह रहे हैं कि भाई घबराने की बात नहीं है। जिला प्रशासन से हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ सजेशंस उनको दे रहे हैं कि भाई जिससे बच्चों को बचाया जा सके। हम लोगों का सजेशन है कि बच्चों को जो ग्रुप्स बना दिए जाएँ, जो लोग ऑफलाइन जाना चाहते हैं उनको ऑप्शन दिया जाए कि ऑफलाइन है, जो ऑनलाइन जाना चाहते हैं उनको ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। और तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जो पेरेंट एसोसिएशन हम लोग और लगातार हम लोग अखबार और टीवी के माध्यम से भी जो हम लोग कर सकते हैं कि सरकार को अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, लेकिन जिस तरीके से नोएडा के अगर स्कूलों की खासतौर से बात की जाए, ऐसे में एक के बाद एक केस मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा कि दोबारा से जो लहर है वो आ रही है और खासकर बच्चों पर इस बार जो है संक्रमण बढ़ रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर ये परेशानी का विषय है और बच्चों में है तो और ज़्यादा लोग डर रहे हैं इस बात को लेके। मेरा तो ये कहना है कि अभी सरकार देखते हैं कब तक इंतज़ार करते हैं, यदि कुछ दिन के लिए फिर से बच्चों को कुछ वापस ऑनलाइन पे ले जाना पड़े तो शायद ले जाना चाहिएगा। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ले जाए तो बेहतर होगा। गौतम बुद्ध नगर एसोसिएशन की तरफ से, जो पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से, आप लोग अब किस तरीके कदम उठाएँ, क्या पेरेंट्स को इस बात में बताएंगे कि अब ऑनलाइन क्लास करवाएं या उसके लिए जोड़ दें? देखिए, मैं ऑनलाइन क्लास 2 साल से चल रही थी और बच्चे उसके आदि भी हो चुके थे, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने ही सजेशन दिया था, हमसे भी पूछा गया, तो हमने कहा था कि अब सब कुछ ठीक है तो शायद बच्चों को स्कूल शुरू कर दिए जाएं, हम लोग भी उसके पक्ष में थे। लेकिन अभी जो हालात बिगड़ रहे हैं उसको देखते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि सरकार फिर से जो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ बढ़ती है तो बेहतर होगा। तो ये यतेंद्र कसाना जी हैं, जो इनका कहना है कि अब जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में ऑनलाइन क्लास एक ही मात्र जो है विकल्प बचा है, क्योंकि लगातार बच्चों में कोरोना के संक्रमण देखने को मिल रहा है। ऐसे में ऑनलाइन क्लास कराकर इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। शिव त्यागी, जनरेट टाइम्स, नोएडा।